Hey guys, welcome back to my channel. आज हम कर रहे हैं कोडिंग डी कोडिंग का एक सेक्शन जो कि रीजनिंग का सेक्शन है. ओके, रीजनिंग में ये क्वेश्चंस इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया है जिसमें हमने लेटर कोडिंग और डायरेक्ट लेटर कोडिंग किया है, नंबर कोडिंग का थोड़ा सा पार्ट देखा है, और अब हमने सेकेंड पार्ट भी कवर कर लिया है जो कि नंबर कोडिंग और सिम्बल कोडिंग में है. अब आज मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट कवर करने वाली हूँ जो कि है मैट्रिक्स कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग एंड डिसाइफरिंग मैसेज कोडिंग के ऊपर. ओके, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए. अगर आपको बाकी के पार्ट नहीं मिल रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ये मेरा थर्ड पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर. गाइस, इसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग के हर एक पैटर्न के बारे में जिक्र किया है. आपको वो मिल ही जाएगा हर एक पैटर्न, वो कंडीशनल पैटर्न हो या वो सब्स्टिट्यूशन हो. आज हम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स और डिसाइफरिंग कोडिंग का कर लेंगे, लेकिन बाकी जो भी ऊपर के कोडिंग्स हैं लाइक लेटर, डायरेक्ट लेटर, नंबर, सिंबल कोडिंग आपको वहां से मिल जाएंगे. ओके, आप मेरे चैनल पे बने रहिए. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और मेरे चैनल के मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग का, पहले मैट्रिक्स कोडिंग. ओके गाइस, अब हम मैट्रिक्स कोडिंग पढ़ रहे हैं. ओके, तो हमें ना क्वेश्चन में ऐसे कुछ मैट्रिक्स दिया रहता है. ओके, तो मैट्रिक्स को हम रीड कैसे करेंगे? ये होते हैं ये वाले सारे जो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे जीरो से स्टार्ट हुआ है. और ये कितने रो हो गए हमारे पास? टोटल 5 रोज हो गए. ओके, तो ये रोज हुए और ये क्या हुए? कॉलम्स हुए. ओके, तो जब ये रोज और कॉलम्स होते हैं तो हम कैसे, पहले रो को लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? कॉलम को लिखते हैं. ओके, तो अगर मुझे d का वैल्यू देखना है तो मैं d का देखूंगी. क्या ये 0 0? d कहाँ कहाँ पे पहले वो टिक कर लेते हैं. यहाँ पे d है, फिर यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, और यहाँ पे भी d है. ओके, तो d कहाँ पे? पहले रो लिखना हमें, इसलिए पहले रो लिखे 0 और कॉलम लिखे 0. अब दोनों 0 था इसलिए हमें पता नहीं चला कि हम क्या क्या लिख रहे हैं. यहाँ पे भी दोनों 1 1 है, है ना, रो से 1 और कॉलम से भी 1. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये रो से 3 है और कॉलम से क्या है, ये सेकंड नंबर पे. तो 32 पोजीशन पे क्या हुआ, यहाँ पे डी हुआ. और ये वाला डी कौन, ये वाला डी कौन से पोजीशन पे? 4 से रो और 1 से कॉलम. तो पहले रो लिखे, फिर क्या लिखे? कॉलम लिखे. तो ये कितना हो गया? 41. अब ये वाला डी कितना होगा? यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से कितना आएगा? 4 आएगा. तो 24 होगा ये लास्ट वाले डी के लिए. कल देख लिया कि डी को हम कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स कोडिंग में, है ना. तो वैसे ही अब अगर मैं पूछूं आपसे के के लिए, तो फर्स्ट लाइन का के क्या है? एक तो 2 है, एक तो 0 है. तो के के लिए कोड क्या क्या हो जाएंगे? पहले क्या लिखते हैं? रो, तो 2 0 हो जाएगा. फिर ये दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा. फिर सेकेंड वाले में भी एक के है, उसमें क्या होगा? 0 1. ओके, फिर और नहीं है ना यहाँ पे. फिर यहाँ फर्स्ट रो में एक और है, वो क्या है, क्या आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा. अब मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों को समझ में तो आ गया कि हम इसे अब कैसे लिख रहे हैं. पहले रो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? कॉमन वाला, कॉलम वाला सेक्शन लिखेंगे, है ना. तो ये 4 3 हो जाएगा. तो आपको ये मैट्रिक्स लिखना तो आई गेस आ गया है. तो क्वेश्चन जब दिखते हैं ना हमें तो काफी गंदे से दिखते हैं, ऐसे लगता है कि शायद नहीं होगा, लेकिन काफी इजी होते हैं. तो चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं मैट्रिक्स के. ओके गाइस, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन ही दिखता है इतना बड़ा है इसलिए हम लोग क्या होता है, हम डर जाते हैं, राइट. तो देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 सेट ऑफ नंबर्स. ओके, ये सब ठीक है, ठीक है. मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दिया हुआ है हमें, 2 मैट्रिक्स दिया. हमने एक मैट्रिक्स का भी नंबर पढ़ना सीखा है. ओके, अब दोनों में मैट्रिक्स मिलेगा, इसमें 5 से 9 तक के हैं और पहले वाले में 0 से 4 तक के हैं. ओके, 0 to 4 एंड 5 to 9, क्लियर है. तो अब क्या बोल रहा है? अब इसमें बोल रहा है हमें किसे कोड करना है? कोल्ड को कोड करना है, COLD. ओके, कोल्ड को हमें कोड करना है. तो अब सी देखें, पहले हम अगर ऐसे देखें कि सी कहाँ कहाँ पे आ रहा है. सी आ रहा है 101 है. ओके, सी के लिए क्या है? 10. और क्या है सी के लिए इसमें? और कहाँ पे सी आ रहा है? एक यहाँ पे सी मिल रहा है, 21, एक 31. 21 भी मिल रहा है और 31 भी मिल रहा है. ओके, और क्या मिल रहा है सी के लिए? सी और कहाँ पे? सी यहाँ पे 04 भी मिल गया, और एक क्या मिल गया? 44 भी मिल गया. ओके, 44 भी हो गया, 04 भी हो गया. ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट के सारे कवर कर लिया हमने सी. ओके, टोटल 5 सीज थे. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सी में 10 21 31 04 और 44 है. ओके, तो 10 आता है पहले, इधर से देखो 44 सी के जगह पे है. हर एक जगह पे 4 नंबर्स दिए हैं, मतलब वो 4
अलग अलग लेटर्स के लिए कोड्स हैं, ओके। तो सी के लिए 44 आता है, मतलब ये हो सकता है ऑप्शन। 31 भी हो सकता है। 30 आता है क्या सी के लिए? नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी के लिए 30 कोड है ही नहीं। 30 कोड किसके लिए? 30 है के लिए, ओके। तो यहाँ से हमें ऑप्शन नंबर सी तो एलिमिनेट हो गया है ना, 10 आता है। तो सी के लिए अभी हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से खुले हैं? ऑप्शन नंबर 1 खुला है, 2 खुला है और 4 खुला हुआ है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम पहले एक काम करते हैं, इसे तो क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट? ओ है। ओ ओ देखें, ओ कहाँ पे आ रहा है? हमें हमारा सेकेंड मैट्रिक्स में मिल रहा है ना ओ, तो ओ है 5 7, फर्स्ट रो में 5 7, सेकेंड रो में 6 9, मेरे साथ साथ चलते जाएगा बच्चों, ओके। नेक्स्ट रो में 7 8, उसके बाद क्या है 8 5 एंड 9 6, 85 एंड 96। तो अब फिर फर्स्ट वाले को चेक करो, 96 ओ के लिए करेक्ट है। 99 आता है क्या ओ के लिए? ओ के लिए 99 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया। 85 आ रहा है क्या? हाँ 85 आ रहा है। अब कंपटीशन किस में है? ए में और डी में है ना। तो अब एल देखते हैं, एल किस में आ रहा है? एल आ रहा है सेकेंड मैट्रिक्स में, तो चलो सेकेंड मैट्रिक्स ले लेते हैं। एल फर्स्ट रो में 5 6, 56 इज फॉर एल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 56 के बाद? ये एल हो गया। फिर नेक्स्ट है 68, 68 करेक्ट। फिर एल है 79, 89, 79 में भी है और 89 में भी है। फिर एल किस में है? 95 में है। अब एल वाला थर्ड वाला चेक करो, 95 है यहाँ पे, 79 है, मतलब एल के लिए तो दोनों है। मतलब हमें फिर डी भी चेक करना पड़ेगा। डी चेक करें हम तो क्या मिलेगा हमें? 2, ओके। डी चेक कर रहे हैं ना, डी हमने देखा 0 0 है ही नहीं, बचा क्या यहाँ पे? 22 बचा, और यहाँ पे कितना बचा? 24। हम डायरेक्टली इसे ही चेक कर लेते हैं, 22 क्या है? ई के लिए आता है। और 24, 24 किसके लिए आता है? डी के लिए आता है। हमें चाहिए किसके लिए था? डी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये रॉन्ग हो गया। गाइज अगर हम ऐसे एक एक वर्ड के लिए चेक करेंगे तो हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? क्योंकि हमें पूरा चेक करना पड़ रहा है जिसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमें, जो कि हमें करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। गाइज अब हम इसमें ऑप्शन से टिक करते हैं, ओके। हमने अभी जब किया कोड पूरा लिख के तो काफी टाइम जा रहा था हमारे लिए, है ना। तो अब हम ऑप्शन से अगर टिक करें तो देखें, 44, 44, 4 एंड 4, 4 एंड 4 किसके लिए चाहिए? सी के लिए चाहिए, है ना, हमें सी के लिए चाहिए 44, तो वो करेक्ट है। 96 देख ले, 96, 96 देख ले ओ के लिए, करेक्ट है 96 भी। 95 देख ले किसके लिए चाहिए? एल के लिए, 9 और 5 एल के लिए भी करेक्ट है। 22 देख ले, 2 और 2 22 ई के लिए, तो ई नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? डी चाहिए था, तो ये ऑप्शन गया हमारा। 31 देख ले, 31 सी के लिए करेक्ट है। 99 देख ले, ओ के लिए चाहिए हमें 99, 99 टी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओ के लिए हमें 99 नहीं मिल रहा है, 99 हमें किसके लिए मिल रहा है? टी के लिए मिल रहा है, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। अब सी ऑप्शन देखें तो 30, 30 तो के लिए होता है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये सी चाहिए हमको और ये के दे रहा है पहले 30, है ना। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी ही होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके पास ई ऑप्शन रहे, एनओ टी, नन ऑफ दीज, तो आप ये चेक करिएगा ही करिएगा कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, ओके। तो चेक कर लेते हैं, 10 1 एंड 0 सी के लिए चाहिए, सी मिल गया हमें। 8 5 8 5 ओ चाहिए था, ओ मिल गया हमें। 7 एंड 9 एल मिल गया हमें, वेरी गुड। 2 एंड 4 2 एंड 4 डी मिल गया, हमें चाहिए था ये कोल्ड, चाहिए था हमें ये कोल्ड, मिल गया। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज आर आंसर। गाइज ऐसे करने चाहेंगे तो ये काफी इजी जाता है, बहुत ही जल्दी हम कर सकते हैं। सेम मैनर अब क्या बोल रहा है? आर ई ए पी के लिए, है ना। तो आर चेक कर लो, आर कहाँ पे? 9, फर्स्ट ऑप्शन को पहले देखते हैं। 96, 96 में आर आना चाहिए, लेकिन हमें क्या मिला 96 में? एल। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा हमारे पास। आर के लिए चाहिए 86, फर्स्ट वाला वैल्यू जो भी होगा वो फर्स्ट लेटर के लिए होगा, ओके। 86 आर मिल गया हमें, ओके, हमें आर मिल गया 86, तो ठीक है हम आगे कर लेते हैं। 86 तो आर के लिए हो गया। अब नेक्स्ट लेटर किसके लिए है? ई के लिए है। ई, ई देख लें, ई ई कितना दिया? ये 34 में क्या मिल रहा है हमें? एस मिल रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन में, क्योंकि ई के लिए हमें 34 नहीं मिलना चाहिए, ओके। तो फिर से आर चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन के लिए, 68 आर मिल गया, वेरी गुड। आर के लिए वेरीफाई, 21 2 1 21 इज एच मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या? ई चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखें, 56
फर्स्ट लेटर आर के लिए चाहिए हमें, है ना, तो आर देखिए 5656, वेरी गुड, आर मिल गया हमें। 00 इज फॉर ई, वेरी गुड, हमें ई भी मिल गया। 22 हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो हमें ए भी मिल गया। एंड 59 इज पी, तो हमें ये भी मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इज आर आंसर, क्लियर है गाइज। अब मैं ये मैट्रिक्स कोडिंग का लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, बिकॉज आई होप मैट्रिक्स कोडिंग आपको इजीली अब बन जाएगा। बट येस, मैंने आपको बोला था इतना लंबा क्वेश्चन होता है पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना, लेकिन आपको एक चीज पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है यहाँ वाली लाइन, द कॉलम एंड द रो आर आइडेंटिफाइड बाय द दिस, ये तो ठीक है, 0 से 9 तक है। अ लेटर इन अ शेल इज रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय कॉलम नंबर, पहले किससे बोल रहा है, ये कॉलम नंबर से बोल रहा है, एंड देन बाय इट्स रो नंबर, उसके बाद किससे बोल रहा है, रो नंबर से बोल रहा है। ओके, तो मतलब हमें बस इतना देखना पड़ेगा कि पहले हमें किसे लिखना है। एग्जाम्पल भी दिया है उसने, जैसे जी का 3 लिखा है पहले एंड आफ्टर दैट 1 लिखा है, मतलब पहले वो कॉलम आ रहा है फिर रो जा रहा है। ओके, तो वही हमें बस एक बार चेक करना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैसे लिखने के लिए बोल रहा है। अदरवाइज अगर आप वो चेक नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ओके, तो यहाँ के अकॉर्डिंगली अगर मैं माइंड को देखूँ तो एम, एम क्या है, एम के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, कॉलम देखना पड़ेगा और फिर रो देखना पड़ेगा। तो कॉलम होगा यहाँ पे पहले, फिर रो लिखा होगा। अगर 01 में लिखी तो पहले कॉलम का नंबर है, फिर क्या है, रो का नंबर है, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले माइंड के लिए, माइंड के लिए लिखा है 01। तो 01 अगर मैं देखूं तो 0 हम कॉलम से लेंगे और 1 रो से लेंगे, तो एम, यस एम मिल रहा है हमें, है ना, एम मिल गया हमें। नेक्स्ट किसके लिए, 61, 61 किसके लिए, आई के लिए होना चाहिए, तो 6 एंड 1 आई भी आ रहा है। 73, 7 एंड 3 एन, लेकिन हमें चाहिए क्या, एन, एन भी आ रहा है, करेक्ट है। देन 3 एंड 6, 3 एंड 6 ई आ रहा है, हमें ई चाहिए क्या यहाँ पे, हमें ई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, लेकिन हमें 3 और 6 में क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो एम के लिए फिर से 0 8, ओके एम को सेटिस्फाई कर रहा है। 6 1 हमने पहले ही में देखा था, तो 6 1 तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, है ना, तो 6 1 अगर कहीं पे होगा आई की जगह पे तो हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, 55, 5 एंड 5 एंड 5 आर के लिए, 5 एंड 5 आर, लेकिन हमें आर चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट फिर से देखो थर्ड वाला, एम के लिए अब देखना पड़ेगा हमें, है ना, 3 एंड 4 एम आ रहा है हमें, एम के लिए सेटिस्फाइड है। 3 एंड 3, 3 एंड 3 आई के लिए भी सेटिस्फाई है, वेरी नाइस। फिर 5 एंड 0, 5 एंड 0 एन के लिए, वेरी नाइस, एन के लिए भी सेटिस्फाई है। हमें क्या करना है, एम ए एन डी करना है, एम आई एन तो हो गया, अब अगर ये डी हो गया तो ये हमारा आंसर होगा। 1 एंड 7, ओके डन, ये हमारा आंसर है। फोर्थ वाले को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास ये ऑप्शन है। ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया सी। इसी तरीके से अब अगर हम जल्दी जल्दी देखते जाएं तो क्या है, ये जे ए आई एल, जे ए आई एल के लिए देखना है ना, तो 32 देखो जल्दी से, 3 एंड 2 जे के लिए, ओके फर्स्ट फुलफिल। देन क्या है, 05, 0 एंड 5 ए, ए भी फुलफिल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 25, राइट, 2 एंड 5 एल, एल चाहिए क्या हमें नेक्स्ट, नहीं, हमें आई चाहिए, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 32 और 05 तो हमने देख लिया कि ये दोनों फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टली आई के लिए देख सकते हैं हम, 8 एंड 7, 8 7 आई के लिए, करेक्ट है। ओके, तो आई का थर्ड वाला फुलफिल। 9 एंड 6, 9 एंड 6 इज फॉर एल, ओके तो ये भी फुलफिल कर रहे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बी ओ, बी एल ओ टी के लिए, बी एल ओ टी के लिए देखना है, तो अब पहले 20 को चेक करें, 20 2 एंड 0 बी कैरी कर रहा है, ओके 1 एंड 0 1 एंड 0 एल, ओके वेरी गुड, एल कैरी कर रहा है। 7 एंड 1, 7 एंड 1 इज ओ, ओ भी कैरी कर रहा है, वेरी नाइस। अब लास्ट में जाए तो हमारा यही आंसर होगा, 2 एंड 2 क्या है, डब्ल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ओके, हमने यहाँ पे देखा कि 10 कैरी कर रहा था, तो 10 इसमें भी है तो ये कैरी करेगा, इसे बार बार फिर चेक करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये क्या हो गया, अब हमारे पास 24 देखना है हमें बी के लिए, 2 एंड 4 बी, ओके 10 हमें पता है फॉलो करता है। 26 देखना है हमें किसके लिए, ओ के लिए, 2 एंड 6 ओ नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। ओके, नेक्स्ट क्या है, सी, सी देखें अगर हम, 34 34, 3 एंड 4 एम के लिए आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, हमें तो बी चाहिए। नेक्स्ट बचा क्या है, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, 6 एंड 2 बी आ रहा है, 2 एंड 5
एल आ रहा है, 5 and 7, 5 and 7 इज ओ, एंड 9 and 5, 9 and 5 इज टी. तो ये हमें आंसर मिल गया, सॉरी दिस इज टी नॉट आई. ओके, ये हमें मिल गया ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. गाइज वैसे ये बाकी दोनों का आप करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है. ओके, जो का आंसर क्या आ रहा है और ओमिट का आंसर क्या आ रहा है. ओके, चलिए अब हम सब्स्टिट्यूशन मैथ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग देख रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, हमने कुक को क्या बोल दिया है, बटलर बोल दिया. गाइज ये सब क्वेश्चंस ना कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करते हैं. तो हमें क्या करना है पता है, ऐसे क्वेश्चंस पे डायरेक्टली क्वेश्चन देखना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है. इसमें तो ठीक है, कुक को बटलर बोल दिया, बटलर को मैनेजर, मैनेजर को टीचर, एंड टीचर को क्लर्क, क्लर्क को प्रिंसिपल. तो अब पूछ रहा है हु विल टीच इन अ क्लास. ओके, द क्वेश्चन जो है हमारा वो इतना ही है, हु विल टीच इन द क्लास. क्लास में पढ़ाता कौन है, हमें पता है कि क्लास में पढ़ाता कौन है, टीचर पढ़ाता है. लेकिन उसके बाद हमें देखना है कि हमने टीचर को क्या बोला है. मैनेजर इज कॉल्ड टीचर एंड टीचर इज कॉल्ड क्लर्क. तो टीचर को क्या बोला हुआ है, क्लर्क बोला हुआ है ना. तो डायरेक्टली योर आंसर इज क्लर्क. तो कौन पढ़ाएगा क्लास में, क्लर्क पढ़ाएगा. क्लियर है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. वैसे ही अगर मैं सेकंड पार्ट देख, सेकंड वाले में क्या है, डायमंड इज गोल्ड, गोल्ड इज सिल्वर, सिल्वर इज रूबी, रूबी इज एमराल्ड, विच इज द चीपेस्ट जेवल. इसमें पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा चीपेस्ट है, सबसे सस्ता कौन सा. तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि सिल्वर सबसे सस्ता है ना, सिल्वर सबसे सस्ता है ये तो पता है. लेकिन सिल्वर को उसने क्या बताया, सिल्वर क्या है, सिल्वर कॉल्ड एज रूबी. तो हमारा आंसर नंबर क्या होगा, आंसर होगा हमारा डी, कि कौन सा चीप है सबसे ज्यादा, तो फिर वो क्या होगा, रूबी. क्लियर है, इजी है गाइस. बस आपको चेक करना है, पहले आपको आंसर पता होना चाहिए और उसको क्या रिप्लेस किया है, उसका सब्स्टिट्यूशन हमें क्या दिया है, उसको हमें क्लिक करना है. लाइक इन द सेम मैनर थर्ड वाला देखें, अगर हम इफ आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज, एंड नोज इज कॉल्ड टंग, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर. हमें क्या पता है कि हम किससे सुनते हैं, हेयर किससे करते हैं, हम सुनते हैं अपने कान से. कान को क्या बोलते हैं, कान को हम बोलते हैं ईयर. ओके, और ईयर को क्या बोला है यहाँ पे, माउथ इज ईयर एंड ईयर इज कॉल्ड नोज. तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नोज. ईयर को इसने क्या नाम दिया है, ईयर को नाम दिया था इसने, सब्स्टिट्यूट किससे किया था, नोज से. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा. क्लियर है, चलो फोर्थ वाला देखते हैं. सब्स्टिट्यूशन काफी इजी जाएगा ही आप लोगों को. ओके, ट्रेन इज कॉल्ड बस, बस इज कॉल्ड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज कॉल्ड कार, कार इज कॉल्ड स्कूटर, स्कूटर इज कॉल्ड बाइसिकल, बाइसिकल इज कॉल्ड मॉप्ड. ओके, नाउ व्हिच इज यूज्ड टू प्लग अ फील्ड. फील्ड के लिए क्या यूज होता है इनमें से, है ना. तो बस तो फील्ड के लिए यूज नहीं होता है. ऑब्वियसली हमें पता है कि क्या यूज होता है, ट्रैक्टर यूज होता है. ट्रैक्टर यूज होता है तो ट्रैक्टर को क्या सब्स्टिट्यूशन दिया है इसने, ट्रैक्टर इज कॉल्ड कार. So car is your answer. Okay. In the same manner, last fifth वाला देखते हैं, ये substitution वाले में. ये easy है, इसलिए बस इतने ही examples sufficient है इसके लिए आप, लेकिन practice करते जाइएगा. Okay. खुद से solve करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा. इसके बाद हम दूसरा वाला भी देख लेंगे. Okay. चलिए ये कर लेते हैं पहले. If rat is called dog, dog is called mongoose, and mongoose is called lion, lion is called snake, and snake is called elephant. Which is red as pet? पेट के लिए मतलब पालने के लिए कौन सा इनमें से ज्यादा रेयर है, हम किसे ज्यादा पालते हैं, लोग डॉग को ज्यादा पालते हैं, राइट. तो हमें पता है, ये पता है कि डॉग इज अ रेयर पेट एज अ पेट. ओके, तो डॉग को इसने क्या बोला, डॉग एज अ मैंगूज. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा. ओके, क्लियर है इतना. आज हम देखते हैं डिसाइफरिंग मैसेज कोडिंग के बारे में. ओके, तो इसमें क्या होता है कि कुछ सेंटेंस को वो किसी कोड में लिख देता है. जैसे अगर मैं इसे रीराइट कर लूं यहाँ पे ऐसे ही, ड्रिंक फ्रूट जूस, इसको इसने क्या लिख लिया है, टी सी एंड पी. नॉट इन अ, ये ऐसा भी है कि ये सेम मैनर में नहीं है कि ड्रिंक का टी है और फ्रूट का सी है एंड जूस का पी है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, ये उल्टा पुल्टा करके लिखा होता है. इन द सेम मैनर और क्या दिया है, सी की ली, इसके लिए वो उसने क्या लिखा है, जूस इज स्वीट. ओके, स्वीट. नेक्स्ट क्या है, ली रेमी, उसके लिए क्या लिखा है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट दिया है ली रेमी. क्लियर है. अब क्या पूछ रहा है हमें, अब हमें पूछ रहा है विच वर्ड इज दैट लैंग्वेज मीन्स
स्वीट, हमें पूछ रहा है स्वीट के लिए वर्ड क्या है इसमें, है ना। तो अब हम बता कैसे पाएंगे, हमें वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको देखें, ड्रिंक फ्रूट जूस, और इसका कोड क्या है, टीसीपी है ना। तो इन सब में हम ये देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, कॉमन देखेंगे अगर हम, तो ये फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में सी और सी कॉमन है, राइट। अब इन दोनों में जब सी और सी कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे कि दोनों में से कॉमन क्या है, ड्रिंक है क्या, सेकंड वाले में ड्रिंक नहीं है, फ्रूट है क्या, फ्रूट नहीं है, लेकिन जूस है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है, जूस। तो हमें क्या मिल गया, सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जूस हो गया, क्लियर है। एस डबल ई का मतलब क्या हो गया, जूस हो गया। अब हमें किसका चाहिए, स्वीट का चाहिए, तो हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमें स्वीट चाहिए, और स्वीट चाहिए तो हम स्वीट के लिए देखेंगे। अब इज यहाँ पे स्वीट क्या हो सकता है, सी तो हो गया जूस के लिए, या तो की हो सकता है या तो ली हो सकता है ना। तो मतलब ये पी टी और ये सी तो नहीं होगा, मतलब या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे अकॉर्डिंगली। लेकिन अब वो कैसे पता चलेगा, की और ली अब बचे हुए चीज का, या तो इज का है या तो किसका है, वो स्वीट के लिए है, राइट। तो अब मैं थर्ड सेंटेंस अगर देखूं तो इस पे ली भी है और यहाँ पे भी ली है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, इज इज है। तो हमें क्या पता चल गया, ली जो है वो किसके लिए, इज के लिए है, तो बच क्या गया, इज के लिए तो ली हो गया, तो नी किसके लिए हो जाएगा, नी हो जाएगा स्वीट के लिए, करेक्ट है। तो नी इज फॉर द स्वीट, अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं इसका एक एग्जाम्पल लूंगी दूसरा वाला, आप उसमें एक बार और ट्राई करिएगा समझने की, या फिर मेरा वीडियो पॉज करके फिर से प्ले करिए। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए, इन अ सर्टेन कोड नी टीम सी हा मींस हाउ आर यू, नी टीम सी को क्या लिख लिया है, हाउ आर यू, मतलब इनमें से कोई सा हाउ होगा, आर होगा, कोई सा यू होगा, ओके। और सेकेंड लाइन क्या दिया है, वेयर आर यू, वेयर आर यू के लिए ब्ली नी सी। अब यहाँ पे भी नी है और यहाँ पे भी नी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो नी और सी जो है या तो वो आर के लिए होंगे, या तो वो R के लिए होंगे या तो U के लिए होंगे। अगर नी R के लिए है तो C U के लिए होगा, और अगर नी U के लिए है तो C किसके लिए होगा, R के लिए होगा, करेक्ट है। तो फिर वही इसके अकॉर्डिंगली नी और C जो है वो R U के लिए तो मिल जाएगा, तो फिर टिम किसके लिए हो गया, टिम हो जाएगा हाउ के लिए, और ब्ली किसके लिए हो गया, ब्ली हो जाएगा वेयर के लिए। हमें पूछा क्या है, कोड फॉर वेयर पूछा है, तो वेयर के लिए क्या है आंसर हमारे पास, ब्ली है। ऑप्शन में ब्ली दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज। गाइस, कांट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज में बहुत डिफरेंस है। कांट बी डिटरमाइंड तब होता कि हमें पता ही नहीं चलता कि वेयर का कोड क्या हो सकता है, लेकिन हमें तो पता चल गया ना वेयर का कोड, और वेयर का कोड जब पता चल गया वो अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम एनओटी लगाएंगे, ओके, ना कि कांट बी डिटरमाइंड। ओके गाइस, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एल बी पी इज रोजेस आर ब्लू, ऐसा कोड किया हुआ है, सिक ही दैट मीन्स रेड फ्लावर, पी मिट ही दैट मीन्स फ्लावर आर वेजिटेबल्स। ओके, हम इधर से कॉमन सर्च करने के बजाय हम क्या करते हैं, इधर से सर्च कॉमन करते हैं। ओके, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वाले में हाउ इज रेड रिटर्न इन दैट कोड। अब रेड किस में, रेड इस वाले में है। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा कि सिक और ही है सेकेंड स्टेटमेंट में, सिक और ही कहाँ पे आ रहा है, तो फर्स्ट में तो नहीं आ रहा है, सेकेंड में आ रहा है, सेकेंड में क्या कॉमन मिल रहा है, ही। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है यहाँ पे, फ्लावर्स, और यहाँ पे भी क्या है, फ्लावर्स। तो हमें क्या मिल गया, फ्लावर्स का क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, एच डबल ई मिल गया। तो रेड के लिए बचा हुआ क्या है, रेड के लिए बचा हुआ यहाँ पे क्या है, सिक बचा हुआ है। ओके, तो ये किसके लिए हो गया, हमारे पास रेड के लिए हो गया, तो रेड के लिए क्या हुआ, एस आई के। आंसर नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्या है, हाउ इज रोजेस रिटन इन दैट कोड। अब रोजेस को हम क्या लिख सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ कॉमन मिल रहा है क्या हमें और कहीं पे, रेड और फ्लावर जहां जहां पे कॉमन मिल रहा था हमने उसे तो सर्कल कर लिया। ओके, तो सिक कहीं पे भी नहीं, ओके ठीक है। तो अब और देखते हैं और क्या कॉमन है इन सब में। अब अगर मैं कॉमन देख रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे पी कॉमन मिल रहा है, पी डबल ई, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में, है ना। तो पी मतलब क्या कॉमन मिल रहा है हमें, आर, और आर कॉमन मिल रहा है, तो मतलब पी का मतलब क्या मिल गया हमें, ए आर ई आर, ओके आर मिल गया। तो बचा क्या, हमें रोजेस की वैल्यू चाहिए, तो रोजेस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, दो चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, या तो रोजेस की जगह पे आई एल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, बी हो सकता है, क्योंकि हमें और कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ से हमको वेजिटेबल्स मिल जाएगा, वेजिटेबल्स मतलब क्या है हमारे पास, मिट, ओके, ये हमें वेजिटेबल्स के लिए मिल गया, लेकिन हमें ये दोनों के लिए नहीं मिल पाया है ना। तो ये ऐसा नहीं लिखेंगे कि हम कान बी डिटरमाइन, अगर ये ऑप्शन में ऐसा है तो,
कैन नॉट बी डिटरमाइंड आप लिख सकते हैं नन ऑफ दीज. अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा रहता कि ए एंड सी आर बोथ आर द ऑप्शन आइदर दिस और आइदर दिस तो हो सकता, लेकिन आइदर वाला ऑप्शन नहीं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके हमें मिल क्या गया, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रोजेस के लिए या तो आई एल हो सकता है या तो बी हो सकता है. वैसे ही अगर ब्लू का भी पूछा रहता तो ब्लू के लिए भी या तो आई एल हो सकता था या तो बी ई हो सकता था, क्योंकि अगर रोज का हमें पता चल जाता कि ये आई एल है तो हमें ब्लू भी पता चल जाता कि बी ई है, या अगर हमें पता चल जाता कि ब्लू इज आई एल तो हमें रोज पता चल जाता कि बी ई है, है ना. इसलिए हम यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इन द सेम मैनर हाउ इज वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर रिटन इन दिस कोड. अब इसी मैनर पे हमारे पास क्या पूछ रहा है हमें, वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर का कोड क्या होगा. वेजिटेबल्स क्या है, वेजिटेबल्स का हमने क्या देख लिया है, MIT. आर के लिए हमने क्या देख लिया, आर के लिए PEE. ओके PEE देख लिया हमने. फिर क्या देख लिया, रेड के लिए हमें क्या मिल गया, रेड के लिए हमें कुछ मिला है ना, सिक SIK सिक. एंड और क्या बोला है, फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए हमें क्या मिला है, HEE. अब जिस भी ऑप्शन में ये चारों कोड होंगे वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. मिड पी सिक ही, ओके मिड भी है, पी भी है, सिक भी है, ही भी है, तो दिस इज ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके क्लियर है गाइज. यहाँ पे ही ये डिसिफरिंग मैसेज कोडिंग भी एंड करता है, बिकॉज ये काफी ज्यादा इजी है, बस आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा. दैट्स इट. ओके गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक माय वीडियोस इन माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो. अगर आपको और कोई ऐसे चैप्टर पे वीडियो चाहिए, किसी सेशन पे वीडियो चाहिए आपको, रीजनिंग का हो या क्वांट का हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि आपको किस पे चाहिए. मैं आपको जितने जल्दी होगा मैं उतने जल्दी उसके भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी. ओके यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग हमारा पूरा कंप्लीट होता है. ओके हमने सारे सेक्शन के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश की है, लाइक उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पैटर्न्स आते हैं वो हमने सॉल्व किया है. आप अगर ये वीडियोस को देखते हैं या समझते हैं तो आपको आई गारंटेड कि आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आपसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे. थोड़ा टाइम लगेगा इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा. जैसे हम ये अभी लिख के मैंने आपको ये समझाया है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि कॉमन क्या है. जैसे यहाँ पे आर था कॉमन, तो और कहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ पे आर कॉमन है, तो इन दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या कॉमन था, पी तो पी इज फॉर आर. ओके तो ऐसे आप कंसिडर करके आप कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा. मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ही होगा, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही रहेगा वो सारा कुछ. ओके और गाइज, इफ यू लाइक द वीडियोज देन डू शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो. ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी कोडिंग.